नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं ललन टॉप, जिसमें आपको 11 दिसंबर 2018 को आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताया जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीणाओं के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी की सीट के बारे में। किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने भाजपा से, संघ से अपने करियर की शुरुआत की, फिर वसुंधरा से अदावत हो गई तो जो पीए संगमा की पार्टी थी उसके बैनर तले मोर्चा खोल लिया। हालांकि वो बस नाम भर के लिए संगमा की पार्टी थी, राजस्थान में उसके सर्वे सर्वा किरोड़ी लाल मीणा ही थे। और उसके बाद कुछ दिनों पहले, अभी चुनाव कुछ दिनों पहले, वापस भाजपा में आ गए, राज्यसभा के रास्ते सांसद बन गए। और सपोटरा सीट है करौली जिले की, जहां से अपनी पत्नी गोलमा देवी को मैदान में उतारा। गोलमा देवी मेरे ख्याल से एक बार सांसद भी रह चुकी है, नहीं विधायक ही नहीं है, विधायक नहीं है। किरोड़ी लाल सांसद जीते, किरोड़ी लाल और गोलमा देवी विधायक रही। किरोड़ी लाल दौसा से सांसद रह चुके हैं पहले, दौसा एसटी सीट रिजर्व है। और सपोटरा सीट पर इनको चैलेंज कौन कर रहे थे कांग्रेस? रमेश मीणा है कांग्रेस के, ये उपनेता प्रतिपक्ष थे, हाँ दो बार से विधायक थे लगातार, और उपनेता प्रतिपक्ष थे और बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब अपने क्षेत्र में ऐसा माना जाता है। इस सीट का ये है सर कि ये करौली जिले में है, और करौली जिला जो राजस्थान का वो मीणा बाहुल्य जिला है, और सपोटरा जिसमें सबसे ज्यादा मीणाओं वाली सीट है, तो ये ऐसा माना जा रहा था कि इससे जो ये देखना होगा कि जब से बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा गए हैं तब से उनका मीणाओं का एक बड़ा चंग उनसे नाराज हो गया है कि उनको सलाम असो। आप तो मीणा सम्मान की बात करते थे और वसुंधरा के साथ विरोध करते थे और वापस में बहन बोल के उनके साथ चले गए, मतलब उनके ये स्टेटमेंट थे कि जब तक वसुंधरा इस पार्टी में, मैं वापस बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और जाके साथ में हो लिए। तो ये एक तरीके से उनका जो क्रेडिबिलिटी टेस्ट था कि भाई मीणाओं का वोट अभी भी साथ है या नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए जी, एक तो मुझे वाकया याद आ रहा है, आपने लिखा भी है 2008 में जब गोलमा देवी, चूंकि तब अशोक गहलोत को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, निर्दलियों की जरूरत थी या दूसरी पार्टी लोगों की, तब इनको मंत्री बनाया गया था, और ये वही नेता हैं जो शपथ भी नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि निरक्षर है। जी, मैं गोलमा देवी बोल रही हूँ ऐसा करके इनकी शपथ खत्म हो गई थी, ये पूरा नहीं कर पाई थी उसको, मतलब पूरा नहीं कर पाई थी। और 2013 में ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक बनी थी, दो जगह से लड़ी थी। महुआ सीट है एक, जिसको महुआ बोलते हैं स्थानीय भाषा में, ये दौसा में पड़ती है, वहां से लड़ी थी, और दूसरी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो अलवर में पड़ती है वहां से लड़ी थी, तो वहां से जीत गई थी। दौसा से ओम प्रकाश हुड्डा से ये हार गई। तो फिर इनका सीट क्यों बदली गई, इस सीट पे क्यों भेजा गया? मीणा बाहुल्य सीट। अच्छा, तो मीणा बाहुल्य है और दो बार का सेटिंग कांग्रेस का है तो उससे सीट छीन लें, ये तर्क रहा। महुआ का ये था सर कि महुआ पे जो किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे थे राजेंद्र मीणा, वो चुनाव लड़े थे और वो भी ओम प्रकाश हुड्डा से हार गए हैं। गोलमा 13,000 वोट के करीब से रमेश मीणा से हारी है, और ओम प्रकाश हुड्डा से जब मैंने लास्ट देखा था वो 6,000 वोट से पीछे चल रहे थे राजेंद्र। बिग डेंट किरोड़ी लाल मीणा की, बिल्कुल है, प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि कुछ बचा नहीं इसके बाद उनके पास में, क्योंकि जब उनकी पार्टी राज्यसभा की सांसद ही बची जो भाजपा में जाने पे मिली, क्योंकि जब उनकी पार्टी थी तो अपना एक रुतबा था, मतलब वो खुद नहीं जीते थे लेकिन कांग्रेस को उन्होंने बहुत सीटों पर हराया था, क्योंकि मीणा जो वोट है वो कांग्रेस का वोट माना जाता है एसटी का। 2013 में, हाँ 2013 में, तो अशोक गहलोत को हरवाने में एक बड़ा कारण वो खुद भी थे, और वो खुद बोलते भी थे कि मैं जीतू ना जीतू इनको हरवा के मानूंगा, और उन्होंने हरवाया भी। और गहलोत से क्यों नाराजगी थी जब गोलमा देवी तो पहले मंत्री रही थी गहलोत सरकार में? सर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी छोड़ी थी, संघ कभी नहीं छोड़ा था उन्होंने, वो संघ बैकग्राउंड से आते थे तो कहीं ना कहीं वो उनका चलता रहता था, और उसमें भी गोलमा देवी ने 5 साल नहीं रही थी, वो पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने बोला था कि मेरे पति को इज्जत नहीं मिल रही है। मतलब आप देखिए कि 2008 में दिसंबर में वो मंत्री बनती है, 2009 में किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं दौसा से, और कांग्रेस के जो थे जो कैंडिडेट का नाम याद नहीं है उनको हराते हैं और वो सांसद बनते हैं 2009 में वहां से, तो इसलिए वो तो थे ही नहीं। फिर 2014 में भी लड़े थे, 2014 में हरीश मीणा से हार गए थे। तो ये अपना जो एक अभी भी आपने देखा होगा, एक अभी कुछ दिन पहले मीणाओं का एक इश्यू हो गया था, उस पर अपनी सरकार के खिलाफ भी धरने पर बैठ गए थे, बीजेपी के खिलाफ थाने में चले गए थे, औरतों के साथ में बैठ गए थे कि नहीं जब तक इनका मामला नहीं सुलझेगा। और किरोड़ी लाल मीणा की पॉलिटिक्स स्टाइल ही यही है, मतलब अपनी जाति का कोई भी मामला होता है तो ये लेके सारे लोगों को बैठ जाते हैं वहीं पर धरने पर, 10-10, 11-11 दिन के लगातार धरने किए, जिनकी इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत थी उस धरने से ही होती है। तो ये है, लेकिन अब जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि गोलमा देवी खुद हार गई हैं और इनके जो भतीजे थे राजेंद्र मीणा वो भी हार गए, और हुड्डा से इनकी पारिवारिक दुश्मनी टाइप की भी हो गई है, मतलब गाली गलौज तक हुई है इनमें आपस में, जो रमेश मीणा से नहीं, अच्छा वहां पे, हाँ ओम प्रकाश हुड्डा जो महुआ से थे पिछली बार गोलमा देवी को हराया था, गोलमा देवी और उनके बीच में तकरार कई बार हो चुकी है। तो अब मेरे ख्याल में ये मीणा घटेगा, रमेश मीणा अगले बड़े नेता हो सकते हैं? रमेश मीणा मीणाओं के एक बड़े नेता छटके मंत्री भी बनेंगे, जब मंत्री तो उप नेता रहे प्रतिपक्ष, मतलब कोई भी किसी भी कोई भी मुख्यमंत्री बने इनका मंत्री बनना तो मुझे लगता है ये तय, तो क्योंकि मीणा फेस है, बड़ा मीणा फेस है, करौली से आते हैं, 3 बार के विधायक है, हाँ, और उपनेता प्रतिपक्ष रहे तो, और एक्टिव भी हैं ये, मतलब ऐसा नहीं है कि शिथिल हो, जाहिर सी बात है तभी चुनाव जीते हैं 13,000 वोट। चलिए, जीत हार की कहानी, सियासत की कहानी आपको सुना रहा है आपका अपना ललन टॉप। यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको हमारी चुनावी कवरेज, ग्राउंड की कवरेज और यहां की विश्लेषणात्मक कवरेज पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय
ज़रूर दर्ज करवाएं, और अगर आपने अब तक ललन टॉप की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं की है तो वो भी कर लें। शुक्रिया।